हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आज का मार्केट बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज का जो मार्केट था, कल जो मैंने बताया था ट्रेंड लाइन ना, अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो उस ट्रेंड लाइन को बढ़िया से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने और डाउन आया है। देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो, जो मैं सपोर्ट वगैरह रेजिस्टेंस बताया था, लेवल्स बताया था, ट्रेंड लाइन बताया था, अगर उसको भी ध्यान देंगे, अगर उसके बेस में भी ट्रेड करेंगे तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर किसी ने अगर आज बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया होगा ना, तो आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 10 रुपये वाला प्रीमियम जो है 200 रुपये में गया था। अगर 10 रुपये वाला प्रीमियम जब 200 में जा रहा है तो 200 पॉइंट अगर प्रीमियम जा रहा है तो 200 पॉइंट ना पकड़ के अगर किसी ने 100 पॉइंट भी पकड़ा होगा, किसी ने 150 पॉइंट भी पकड़ा होगा तो भी बहुत होता है बैंक निफ्टी में, है ना। तो अगर इस हिसाब से ट्रेड करेंगे, जो मैंने बताया है, ट्रेंड लाइन बताया है, सपोर्ट बताया है, रेजिस्टेंस बताया है, कितना अच्छा वर्क किया है आज उसने, देख सकते हैं यार। अगर मतलब अगर आपको देखना है तो कल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि थोड़ा सा कितना अच्छा वर्क किया है आज का जो मार्केट था। देख सकते हैं कि आज यहाँ से 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये अच्छी खासी हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद में अपसाइड गया और फिर ये डाउन आया है। फिर डाउन में देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने, और ये अच्छा खासा अपसाइड गया है। और जो मैंने कल रेजिस्टेंस बताया था, उसी रेजिस्टेंस से रजिस्ट होके और नीचे आया है, डाउन आया है। कैसे, यहाँ से गया, ये नीचे आया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया यहाँ से, इसके बाद रेजिस्टेंस में गया और फिर रेजिस्टेंस से ये डाउन आया, फिर इसके बाद जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ से, इसका भी रेजिस्टेंस लगा हुआ था, फिर ये थोड़ा सा फिर अपसाइड जाने की कोशिश किया लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, और फिर ये देख सकते हैं कि अच्छा खासा डाउन आया है। और जो रेजिस्टेंस मैंने बताया था, सपोर्ट बताया था, उस सपोर्ट में भी सपोर्ट नहीं लिया है, और जो सेकंड जो सपोर्ट था उस सपोर्ट में भी सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने, और डायरेक्ट डाउन आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेयरिश मार्केट था कहा जाए तो बैंक निफ्टी में। और जो नीचे एक सपोर्ट मैंने जो लगाया था, उस सपोर्ट में आके सपोर्ट लिया मार्केट ने और फिर थोड़ा सा अपसाइड गया, ऊपर एक सपोर्ट जो लगा था वो रेजिस्टेंस का काम करने लगा, फिर उसके बाद में फिर डाउन आया गया, और ये डाउन में आके यहाँ पे क्लोज दिया है 47,230 में, यहाँ क्लोज करके मार्केट। अगर आप कल के लिए देखेंगे थोड़ा सा तो कल क्या रहेगा, मार्केट कैसा रहेगा, तो आज का मार्केट तो देख लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देना कल के लिए, मैं बता रहा हूँ। अगर कल भी जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से भी ट्रेड करेंगे आप तो आराम से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर 47,000 मतलब 900 से ये मार्केट गिर के 230 तक आया है तो ये कहला जाती है 500 पॉइंट करीब की रैली। 500 पॉइंट में अगर 500 पॉइंट भी नहीं पकड़ेंगे तो कम से कम 250 पॉइंट तो पकड़ सकते हैं, 100% नहीं पकड़ सकते तो 50% तो पकड़ सकते हैं ना। तो अगर देखेंगे आज अब कल के लिए तो डे टाइम फ्रेम की कैंडल अच्छी खासी बीरस बनी है और ऊपर थोड़ी बिक दिख रही है, और जो देख सकते हैं कितने सारे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है मैंने। अगर कल के लिए देखेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा के ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है और नीचे हैमर कैंडल बनाया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है अपसाइड से, इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक ना करे तो अपसाइड जाने की सोचना नहीं अभी। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने देना, उसके साथ में अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट होना चाहिए, और जो मतलब वॉल्यूम जो रहे अच्छा खासा रहे, वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि नीचे लगा सकते हैं। और जो ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे बैंक निफ्टी तब तक अपसाइड जाने के लिए नहीं सोचना है। और अगर कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देखेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया मैंने, तो कल के लिए जो सपोर्ट रहेगा
पहला जो सपोर्ट बन रहा है 47,200 का बन रहा है, और जो सेकंड जो सपोर्ट बन रहा है 47,040 का बन रहा है, थर्ड बन रहा है 46,900 का, और जो फोर्थ बन रहा है 46,820 का। अगर रेजिस्टेंस को देखेंगे अपन बैंक निफ्टी में, तो कल के लिए रेजिस्टेंस बनेगा 47,315 का, और अगर सेकंड रेजिस्टेंस देखेंगे 47,485 का, और जो थर्ड रेजिस्टेंस देखेंगे ये बन रहा रेजिस्टेंस 47,591 का, ठीक है। और जो इसके बाद जो रेजिस्टेंस देखेंगे अपन बन रहा है ये 47,900 का, इसको 900 में ही, क्योंकि ये जो रहेगा ये 47,900 का, ठीक है। तो कल के लिए इतना काफ़ी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ओके, बाकी लेवल्स को फॉलो करते रहिए तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा आपका भी, और एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।